निकाल दिया, उखाड़ दिया गाइस भाई, क्या बुरा तरीके से देख लो। अरे अरे अरे, मतलब लोग इतना ज्यादा जलते हैं भाई। अभी मैं चला रहा हूँ जीत का गोप्रो, इसमें लोगों का ये हाल है। अभी तो भाई और बहुत आगे कामयाबी पाएंगे बाबा। चला बाबा, भाई लग जाए हमार, आज ये खड़ा कर सकते, जीत गिर मत जाएगा मेरा भाई, कल इससे बड़ा भी कुछ खड़ा कर सकते। हमको लगा तुम गिर गया। देखा गाइज, हम लोग एक इतना शूट का अच्छा लोकेशन में आप लोग देख सकते हो, बट हम लोग के साथ एक सीन हो चुका है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले गए थे रंगोली मॉल, बाहर पार्क किए थे गाड़ी, और गाड़ी में मतलब एक ऐसा चीज हुआ ना, जो अभी हम लोग यहाँ फोटो ले रहे थे तो अभी मेरे को पता चला। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन हुआ। देखो गाड़ी का मतलब लोग इतना ज्यादा जलते भाई, इतना ज्यादा मतलब क्या, या तो ये लोगों देख के भाई कोई अपने आदमी वहां पर बाहर पार्क किया होगा, ऐसे तो किसी का गाड़ी का तोड़ेगा है नहीं, या तो मेरा YouTube का जो लोगो लगा हुआ है ये देख के, या तो किसी ने इधर का इंडिकेटर, और ये देखो इधर का इंडिकेटर देख रहे हो भाई, क्या बुरा तरीके से देख लो। लेट्स सी, आप ही लोग खुद देखो क्या बुरा तरीके से भाई, मतलब तोड़ के इंडिकेटर पूरा निकाल दिया, उखाड़ दिया भाई। देखो कितना लगेगा, 1,500-2,000 लगेगा, क्या करोगे ऐसे, तो बाइक तोड़ोगे या फिर जो भी, 1,000-2,000 रुपये लगेगा तो कुछ बात नहीं है भाई। मतलब लोग कितना ज्यादा, आप लोग खुद देख लो भाई, जलते या फिर जो भी है, अच्छा चीज करो ना तो बोले ना, हजारों खड़ा हो जाएंगे टांग पर। हमेशा लेके निकलते डर लगता है कि कहीं पर स्क्रैच ना है कुछ ना, और पार्किंग में लगा है। अभी हम जस्ट फोटो ले रहे थे तो हमको लगा इसका इंडिकेटर गिर गया, जब हम दोनों तरफ का देखे तब देख रहे कि मतलब इसका इंडिकेटर कोई टांग के तोड़ा है। तो आप लोग खुद देख लो, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। इसमें लोगों का ये हाल है, अभी तो भाई और बहुत आगे कामयाबी पाना है, तो उसमें उन लोगों का क्या लेगा वही हम सोचे। अरे देखो इंडिकेटर तोड़ने का बात नहीं है, उससे बड़ा बात है कि अगर बाइक का कोई और कार वगैरह है कुछ काट देते हैं, और जाना तो सबको एक ही जगह, याद रखना ऊपर ऊपर वाला सब देख रहा है भाई। और एक बात, क्योंकि खुद पर भरोसा रखा है भाई, आज ये खड़ा कर सकते खुद के दम पे लाके, तो कल इससे बड़ा भी कुछ खड़ा कर सकते, ये चीज हमेशा याद रखना। क्रेडिट के लिए मेरा सांस रुक गया एकदम, मतलब हाथ खराब है, क्योंकि जो लोग बाप के पैसों से खरीदते भाई, उन लोगों को भी ये सब चीज की अहमियत नहीं पता होगा, लेकिन जो खुद के दम पे भाई 1,000 रुपए का भी सामान, भाई ने अपने खुद के दम पे 5,000 का साइकिल खरीदा, मैंने खुद के दम पे ये खरीदा ना, तो भाई हम लोगों को इसका इंपॉर्टेंस पता है कि भाई एक छोटा चीज भी, मतलब कुछ भी दिक्कत होता तो क्या महसूस होता है भाई खुद के अंदर। सो गाइस, फाइनली अभी मैं चला रहा हूँ जीत का गोप्रो, अब इस गोप्रो से शॉट लेंगे और देखते हैं ब्लैकी का कैसा, मतलब एक अजीब सा, अबे साले, मतलब कैसा एक रिएक्शन आता है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं गोप्रो लगा के भाई, और आज हम लोग नाइट राइड में भाई, स्कूटी है, अपाची है, देख ही सकते हो, और ये बेवड़ा भी हम लोग के साथ, ये बेवड़ा भी हम लोग के साथ, तो अभी हम लोग चलते फटाफट से। और गाइस आज आप लोगों को बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिलने वाला है, देख लो क्या, हाँ ये बिहाइंड द सीन चल रहा हम लोग का, बाकी आप लोगों को आज बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिलने वाला है। तो कमेंट फटाफट से कर देना कि मेरे को अब कितना दिन के अंदर कब गोप्रो लेना चाहिए, 1K फटाफट कराओ तो पक्का गोप्रो ले लेंगे, ये मेरा कन्फर्मेशन है। तो भाई ने आज ले लिया है आसूस राइजन, कौन सा मॉडल, ROG ले लिया भाई ने, तो चलते है गाइस हम लोग। ताजी करारी है सब पे ये भारी है आईना शर्म, ओ भरम ना गाइस, राज आराम से, राज फॉर्म में पूरा गाइस। गोप्रो का आप कैसा रिएक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, फटाफट से कमेंट कर देना। और जीत के पास भाई इसका माइक वगैरह सब कुछ है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो देखने में पूरा। करो क्या ये लोग सिग्नल में मस्ती कर रहे हैं, और जीत ने मेरा हेलमेट लगा के रखा है विद मेरा गोप्रो के साथ, थोड़ा सा आराम से चला राज, स्टैंड रोड में तो देखेगा तेरा मिरर नहीं है, तो नाइट राइडर्स आर रेडी। और भाई अभी तो पेट्रोल 115 रुपये लीटर जा रहा है गाइस, इसमें कैसे हम लोग झेल पाएंगे 115 रुपये लीटर, इसमें तो 300 रुपये पहले लगता था और अभी 115 चल गया, तो मतलब 400 रुपये इसमें पेट्रोल हर वीक लगेगा। इट्स अ टफ फॉर मी, मेरे लिए बहुत टफ पड़ जाएगा। वी आर मिडिल क्लास राइडर MCR, MCR हर ग्रुप में एक ऐसा कॉमेडी राइडर होता ही है, और होना चाहिए तभी तो ग्रुप का मजा आएगा। तो MCR आज फिर से निकल चुके हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम,
अपन को जाना था राइट, बट अभी तक राइट का सिग्नल मिला ही नहीं है। अब कुछ दिन बाद साइकिल से मोटो ब्लॉगिंग होगा गोप्रो लगा के। तो अब कुछ दिन बाद साइकिल से मोटो ब्लॉगिंग होगा गोप्रो लगा के, क्योंकि पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, अब हम लोगों को बाइक नहीं निकालना है, अब साइकिल से मोटो ब्लॉगिंग होगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा भाई, अब से साइकिल से मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। वही तो बोले, साइकिल से मोटो ब्लॉगिंग होगा, साइकिल से हेलमेट पहन के बोलेंगे तो भी सही। हाँ, अरे अरे अरे, ओ भाई भाई, अरे राज आराम से पगले। राज का भाई एग्जॉस्ट का बेस देख रहे हो, मतलब अलग ही लेवल का है, अगर पागल है, पागल है पूरा। कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या लगता है जीत हम लोग निकल पाएंगे? लेट स्ट्राइक के चक्कर में यहाँ पर स्क्रैच आ गया ना भाई, कोई बात नहीं, अपना बजट बहुत ज्यादा है। आमी मानुस दो दिल में पलट गया, तेरा है मेरा नहीं है भाई साहब, देखो बाप रे बाप, अपन की तो फट रही है। तो बाबा चला बाबा, भय लग जा हमार। राज का बाइक थोड़ा सा भाई स्लिम ट्रिम था इसलिए निकल गया, मेरा तो भाई सामने का पोर्शन ही नहीं घुस रहा था। लुक एट द नाइट व्यू मैन, कोलकाता सीधा जाएंगे, मेरोड़ आ जाएगा अपने। राज हमें दिख नहीं रहा, पता नहीं राज कहाँ चला गया। सो गाइस अभी अपन जा रहे हैं 50 टू 60 के स्पीड के अप्रोक्स में, बाकी ये आ चुका है राज अपने लेफ्ट में और सूरज अपने राइट में थोड़े से पीछे चल रहा है। रास्ता बहुत ज़्यादा वाइड है इसलिए अपने को मिरर ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहा भाई राज, फुल क्रेजीएस्ट नाइट आउट भाई। अच्छा फ्लाई बाय मारा लेकिन बाय द वे राज, और रोड पूरा खाली था तो और मज़ा आ गया होगा। तो आप लोगों को पता ही, जब मैं अपने ऑफिस टाइम में ट्रैवल करता हूँ 7 से 8 बजे के बीच में, तब स्टैंड रोड बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बट अभी 9 बजने वाले हैं तो इसीलिए स्टैंड रोड अभी खाली हम लोगों को मिलेगा थोड़ा बहुत। तो भाई साहब आप लोग ट्रैफिक देख सकते हो, और ये ट्रैफिक में मैं रोज़ आना जाना करता हूँ। अभी 9 बज रहे लेकिन अभी भी ट्रैफिक प्रॉपरली क्लियर नहीं है। नेकेड बाइक होने का भाई यही प्रॉफिट है, बाकी आप लोग ने राज को देख ही लिया भाई। जीत गिर मत जाएगा मेरा भाई, अबे हमको लगा तुम गिर गया भाई। तो सो गाइस आज हम लोग का यहाँ लग रहा है लाइनअप भाई, ये वाइजर बहुत दिक्कत कर रहा है राइट कटन राज को, ये वाइजर में कुछ दिख नहीं रहा है, हम गड्ढा स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, पता है कि गड्ढा आ नहीं रहा ना, हम भी सोच रहे थे उसको वाइजर लगाएगा लेकिन इतना दिक्कत करेगा तो रात में फिर लगा के फायदा नहीं है। तो दे देगा अभी भी चल जाते हैं।